Hey everyone, welcome back to the channel. आज के इस वीडियो में लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स हम रिवाइज करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक के. वन लाइनर्स में रहने वाले हैं सारे. जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका उसमें रिवीजन के लिए वीडियो बहुत हेल्प करने वाले आप लोगों को. शुरू करते हैं. सबसे पहले देखें हु हैज़ बिकम द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. ये बनी है टी वी सोमनाथन. राजीव गौबा थे इनसे पहले, अभी टी वी सोमनाथन हैं नए कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 पैरालंपिक्स. तो भारत ने पैरालंपिक में 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं. ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव. क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें हु अज्यूम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिमस्टेक. बिमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो बिमस्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे. ऑन विच डे इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड. 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. विच कंट्री होस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है. हु रिसेंटली बिकेम फ्रांस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर. इनका नाम है गैब्रियल अटल. What is the name of the assault rifle recently launched by DRDO for Indian Army? इस assault rifle का नाम है उग्रम, जिसे Indian Army के लिए DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है. What is the India's current ranking on latest Henley Passport Index? भारत की रैंकिंग इसमें 80th है. Who played a pivotal role in leading Germany to victory in the United Cup? यह है Alexander Zverev, जर्मनी के हैं. Who has been appointed as the chief of NSG? National Security Guard के चीफ हैं B. श्रीनिवासन. In which country is Shering Tobgay set to serve as Prime Minister for the second term? So Shering Tobgay Bhutan ke Prime Minister hain. Where did Indian Navy host the Milan Exercise 2024? Vishakhapatnam iska answer hoga. What is the name of the joint exercise between India and Japanese Coast Guard? Iska ye hai Sahyog Kaijin. Which tiger reserve has got the title of India's first dark sky park? Ye tiger reserve hai Pech Tiger Reserve Madhya Pradesh mein. विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री? ये है काबो वर्डे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ SSB? सशस्त्र सीमा बल के चीफ दलजीत सिंह हैं. विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड द 46th कोकबोरोक डे? त्रिपुरा में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट दैट विल फ्लाई इन टू स्पेस अहेड ऑफ द गगनयान मिशन? इस रोबोट का नाम है व्योम मित्रा. महात्मा गांधी को डेडिकेटेड टावर का नाम क्या है जिसे एस्टेब्लिश किया गया? इसका नाम है बापू टावर. वट इज़ द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2024? इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत. वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसका ऑब्जेक्टिव है लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी. विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वन मित्रा स्कीम टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटेशन? ये इंडियन स्टेट है हरियाणा. हु वर ओनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड? ये हैं गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य. विच टू ऑर्गेनाइजेशन आर सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट? ये हैं नासा और जाक्सा. विच प्राइवेट अमेरिकन मून लैंडर वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम स्पेस एक्सेस फाल्कन 9 रॉकेट? इसका नाम है ओडिसियस. हु वॉज ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? शशि थरूर को इससे ऑनर किया गया है. वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट साइबर क्राइम रिपोर्ट? इसमें भारत की रैंक 80th है. वेयर डज द समक्का सरक्का मेदाराम जात्रा टेक प्लेस? तेलंगाना का फेस्टिवल है ये. AI सर्विस का नाम क्या है जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका नाम हनुमान है. हु वन द अजरबैजान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 5th टाइम? इनका नाम है इलहम अलीयेव. द ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज नाम है इसका दोस्ती 16. कमेंस्ड इन विच कंट्री एमिड सिक्योरिटी कंसर्न्स? मालदीव्स में ये एक्सरसाइज की गई है. किसकी है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है. वट पोजिशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? इसमें भारत 42nd नंबर पर है. इन द वर्ल्ड बैंक्स लीगल जेंडर गैप इंडेक्स वेयर डज इंडिया रैंक अमंग 190 कंट्रीज? भारत की रैंक 113 है 190 कंट्रीज में से. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च? ये कोलकाता में लॉन्च की गई. हु बिकम्स फर्स्ट बोलर टू टेक 700 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? जेम्स एंडरसन है ये. हु वन द संतोष ट्रॉफी इन 2023-24 सीजन बाय डिफीटिंग गोवा सर्विसेज? के द्वारा संतोष ट्रॉफी 2023-24 जीती गई है गोवा को हराकर. हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? विजिलेंस कमिश्नर के रूप में AS राजीव को अपॉइंट किया गया. हु वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? नायब सिंह सैनी हैं हरियाणा के CM.
अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट, वेयर डज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत 134th नंबर पर आता है. वेयर हैज़ द फूल दही फेस्टिवल स्टार्टेड, फूल दही फेस्टिवल है उत्तराखंड का. विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है, तो मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2024 जीती गई है. विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड लामितिए 2024, लामितिए इंडिया और सेशल्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है. नेक्स्ट आता है, विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल, ये शहर है पोखरा. हु वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग MIRB टेक्नोलॉजी इन मिसाइल फायरिंग, भारत को इसमें सफलता मिली है मिसाइल फायरिंग में MIRV तकनीक हासिल करने में. हु वन इन द फाइनल मैच ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग, RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जीता गया. पर्पल कैप WPL में किसने जीती, श्रीलंका ने जीती है. विच रीजन एक्सपीरियंस डिवास्टेटेड ड्यू टू साइक्लोन मेगन, ये रीजन नहीं होगा, रीजन होगा, ठीक है, REGION. कौन सा रीजन है जहाँ पर साइक्लोन मेगन मेगन के कारण तबाही देखने को मिली, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है. ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व एवरीवेयर, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल, ये है लुइस मॉन्टेनिग्रो. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 एबल प्राइज, ये मिला है माइकल टेलेग्रांट को. हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेजिडेंट फॉर अ थर्ड टर्म इन इजिप्ट, इजिप्ट के प्रेजिडेंट तीसरी बार अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं. विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एन AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेम्ड देविका, देविका नाम का एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत ने लॉन्च किया है. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ये सरहुल है. हु इज सेट टू रिसीव द ऑनररी पाम डी ओर एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल, जॉर्ज लुकास को ऑनररी पाम डी ओर से सम्मानित किया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में. From which regiment is the Indian Army contingent participating in the 5th edition of exercise Dastalik? तो भारत में जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, इसने एक्सरसाइज दस्तलिक में पार्टिसिपेट किया था. इन विच पोजिशन डिड नीरज चोपड़ा फिनिश इन द दोहा डायमंड लीग, तो ये सेकेंड नंबर पर रहे हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता. 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कौन सी कंट्री ने जीती, जापान ने. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ वियतनाम, यह है तू लाम. हु वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ये जेनी अर्बन बैंक ने जीता है कायरोस के लिए. हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, सिक्किम के CM हैं प्रेम सिंह तमांग. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं. इन विच सिटी डिड PM मोदी पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल योगा डे इवेंट, इंटरनेशनल योगा डे का इवेंट जो था श्रीनगर में था, जिसमें PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विनोद गणत्रा को दिया गया है. हु इज सेट टू बिकम द न्यू नाटो चीफ, नाटो के चीफ हैं मार्क रूट. विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कोझिकोड है केरला का शहर. हु रिसेंटली वन हिज थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल, ये टाइटल ध्रुव सितवाला ने जीता है. विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सेटअप ऑफ मित्र वन अलोंग द UP नेपाल बॉर्डर, तो UP गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि मित्र वन की स्थापना की जाएगी UP नेपाल बॉर्डर पर. इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को. हु इज ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो पीछे हमने देखा था शशि थरूर को मिला है, उनके अलावा रोशनी नादर को भी अवार्ड दिया गया है. ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड, तो 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. यूरो 2024 फाइनल किसने जीता, स्पेन ने. ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है 23 जून को. वट वॉज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें भारत की पोजिशन है 71st. विच कंट्री विल होस्ट द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश होस्ट करने वाला था ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 को, लेकिन उसके मना करने के बाद UAE इसको होस्ट करेगा. ठीक है, भारत के पास भी ऑफर आया था लेकिन भारत ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो UAE के पास किया है इसकी मेजबानी इस बार की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टरेट ऑफ ED इन अगस्त 2024, ये है राहुल नवीन. विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है. विच स्टेट्स नंजरायन एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, ये दोनों ही बर्ड सेंचुरी हैं तमिलनाडु में और इन्हें रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है. विच इंडियन प्लेयर वन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक 2024, ये हैं मनु भाकर. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रीति सूदन है. विच कंट्री वन द वुमेन्स टाइटल ऑफ द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, भारत ने जीता है वुमेन्स का टाइटल इस चैंपियनशिप में.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जय शाह बनाए गए हैं ICC के चेयरमैन। हु वॉज द इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर मनु भाकर और श्रीजेश थे। Recently, who has been appointed as the Director General of NSG, B. Srinivasan, ये तो repeat हुआ है। Which state government has launched the मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार की ये स्कीम है। How many medals did India win in the Paris Olympic? Paris Olympic में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं आया है इस बार, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। सिल्वर किसका है? नीरज चोपड़ा का। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायलेटरल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। उदार शक्ति एक्सरसाइज मलेशिया और इंडिया के बीच होती है और एयर एक्सरसाइज है। ट्यूनिशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? कामिल मदौरी हैं। हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन हिस्ट्री? अमन सहरावत है। रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। वट वॉज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक? ये था फ्रीज। इन विच इवेंट डिड अवनी लिखारा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो शूटिंग की प्लेयर हैं अवनी लिखारा और इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड? ये हयाओ मियाज़ाकी को दिया गया है 2024 का। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स ट्रैक इवेंट? प्रीति पाल हैं पहली महिला एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। वरुण अभ्यास 2024 वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया और फ्रांस के बीच इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका नाम है समुद्र प्रताप। इन विच स्पोर्ट डिड कपिल परमार विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक? कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरालंपिक गेम्स में। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज? भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं पेरिस पैरालंपिक में? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। 29 मेडल्स जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ये हैं राजा रणधीर सिंह। अकॉर्डिंग टू द क्लीन एयर सर्वे 2024 विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल क्लीन एयर सिटी? ये शहर है सूरत। वट इज़ द थीम ऑफ द सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस? इसकी थीम है शेपिंग एंड सेमी कंडक्टर फ्यूचर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा 2024 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट की जाती है 2024 में। ओमान में ही इसको कंडक्ट किया गया था। और इसी के साथ फाइनली हमारे ये 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कम्प्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।